हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। देखिए यहाँ पे मैंने भूजी कह सकते हैं आपसे, यहाँ पे मैंने दूध फाड़ के पनीर बना लिया है। और ये टमाटर कट कर दिए हैं, ये प्याज कट कर दी है, ये है सूखे मसाले। मैंने गैस ऑन करके इसमें फ्राई पैन चढ़ा दिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने काट कर रखी है। देखिए दोस्तों, हम ये प्याज रोस्ट कर रहे हैं। हमने इसमें सॉल्ट, हल्का सा सॉल्ट डाल दिया जिससे कि प्याज जल्दी भून जाए। इधर हमारी प्याज भून रही है, हम उधर ज़्यादा टमाटर है कटा हुआ, इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर देते हैं, अपने रेड चिली, हल्की सी हल्दी और हल्का सा हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने हल्का सा नमक प्याज में भी ऐड कर दिया है। और ये पनीर है हमारा। देखिए हमारी प्याज भून चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और मसाले। अभी इन्हें हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे कि टमाटर हमारे गल जाए। हमारे सामान ये सब तैयार हो चुके हैं, अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। ठीक है, हमने इसमें पनीर ऐड कर दिया है, अब हम इसे चला लेंगे। बस देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है, पनीर की भुर्जी। अब हम इसमें हरा धनिया भी काट देंगे, काट के डाल देंगे, उससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा हरा धनिया डालते ही। देखिए दोस्तों, हमारी पनीर की भुर्जी बनकर तैयार है। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें हरा धनिया काट के डाल दिया, देखिए कितनी कलरफुल और कितनी प्यारी लग रही है, कितनी यम्मी बनी है ये। थैंक यू फ्रेंड्स।